हेलो एवरीवन, एथर एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में टाइम टू टाइम ओटीए अपडेट सेंड करती है। रिसेंटली एथर एनर्जी ने एथर 450 प्लस और 450 एक्स के लिए ओटीए अपडेट सेंड किया है और इससे हमें कुछ नए फीचर्स भी मिले हैं। यहां पर नए ओटीए अपडेट से थेफ्ट एंड टो डिडक्शन का फीचर एथर की स्कूटर में ऐड किया गया है। स्कूटर के ऑफ होने के 7 मिनट्स के बाद इसका ऑनबोर्ड सेंसर एक्टिविटी मॉनिटर करेगा, जिससे अगर स्कूटर के पोजीशन में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, यानी कि बेसिकली अगर आपकी स्कूटर को चोरी करने की कोशिश की जाती है या इसे पार्किंग लॉट से टो किया जाता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये थेफ्ट या फिर टो डिडक्शन फीचर सिर्फ एथर कनेक्ट प्रो प्लान पर काम करेगा, जिसका कॉस्ट है 700 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। इसके अलावा इस नए ओटीए अपडेट में ऑटो थीम स्विच का भी फीचर ऐड किया गया है, जिसमें स्कूटर के स्पीडोमीटर में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लाइट मोड ऑन होगा, उसके बाद डार्क मोड ऑन हो जाएगा, तो आपको मैन्युअली थीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस नए ओटीए अपडेट से ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके अलावा इस नए ओटीए अपडेट में जो ब्लूटूथ, जीपीएस और नेटवर्क से रिलेटेड थोड़े बहुत बग्स थे, वो भी ठीक किए गए हैं, यानी कि ओवरऑल स्कूटर को और भी ज़्यादा पहले से बेटर किया गया है। तो जो लोग एथर 450X और 450 प्लस यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बाकी एक बात बोलूँगा, एथर 450X है थोड़ी महंगी स्कूटर, लेकिन क्वालिटी और सर्विस काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।